हेलो सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आई होप तो सारे कैंटों के तार नेक्स्ट की शुरुआत हो चुकी है और आज है 28 अक्टूबर और अमृतला चालिया का डे 24। तो गुरु महाराज की कृपा से रेडी शेडी हो चुके हैं, तो अभी निकलते हैं डेस्टिनेशन के। और यहाँ से सबसे पहले जाएंगे गुरुद्वारा साहब, गुरु अर्जन देव महाराज गुरुद्वारा, वहाँ से पालकी साहब अटेंड करके पालकी साहब के साथ जाएंगे गोल मैदान डेस्टिनेशन पे। तो अभी निकलते हैं, राइट नाउ टाइम मुझे हो चुका है यहाँ पे 1:45, तो अभी निकलता हूँ यहाँ से और पहुँचते हैं डेस्टिनेशन गुरुद्वारा साहब। देख जीवा गुर तेरा दर्शन, देख जीवा गुर तेरा। तू ही निरंकार।
करने आते हैं तो संगत को एक दरिया पार करना पड़ता है, सतलुज दरिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दरिया पार करते बहुत सारी संगत आती है, तो बहुत सारे नाव वाले वहाँ पर काम करते हैं जिन्हें मलाह कहते हैं। नाव चलाने वाले को कहते हैं ना मलाह, साढ़ा तो ही मलाह साइया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नाव चलाते हैं, किसी की बड़ी नाव है, किसी की बहुत बड़ी नाव है, जैसे जिसकी समर्थ है। इतिहास में नाम आया है मुसलमान का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका नाम कुछ सैयद करके कुछ नाम था पहले, वो भी सेवा करता है, सेवा नहीं काम करता है, मतलब बहुत गरीब है, छोटी सी नाव है। नाव होती है ना टूटी फूटी, उसे रिपेयर करके बनाया होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब आदमी है, वो भी वहाँ पे आया, देखा काम है तो एक नाव छोटी मोटी ली, किसी तरह से ली और काम शुरू किया। अब उसमें बैठती है सिख यात्री। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख यात्री जाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उस्तत करते हुए जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उस्तत करते हुए आती है और रोज बातें सुनते हैं उनकी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुनता है उस्तत सुनता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ऐसे हैं, आज ये चमत्कार हुआ, आज ऐसे हुआ, आज ये घटना घटी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की हजूरी में। वो सुनते उसके मन में प्रेम जागा। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ही जागते हैं ना, प्रेम कैसे जागते हैं? या तो पहले आंखें देखें या तो कान सुने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के बारे में सुना, मन किया देखने का। कोई कहेगा अमेरिका ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, अच्छा मैं भी जाऊँगा एक दिन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जिज्ञासा जागे, अभी प्रेम नहीं जागा, अभी मानो जिज्ञासा जागे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन है जो दुनिया इतनी उस्तत करती है, उनके दर्शनों के लिए दूर दूर से आती है। इसका नाम सैयद कुछ नाम है, पूरा नाम मुझे सबके याद नहीं आ रहा। और समय बीतता गया, अब इसने खुद पूछना शुरू किया। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गए तो आज क्या हुआ आपके साथ जब वापस आए, तो वो बताते हैं आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये वचन किए। इसके मन में इतनी भावना श्रद्धा जागने लग गई कि ये वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज संगत को कर रहे हैं और पल्ले में ये ले रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उन वचनों की पालना करने शुरू कर दी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे कहते ऐसे करना चाहिए, इसलिए अपने जीवन वैसे करना शुरू कर दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काफ़ी समय बीतता गया, जब भी संगत आती है इसे बताती है कि जा रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने, ये कहता है मेरी तरफ से भी नमस्कार कर रहा ना, तो कहते तू भी चल, तू क्यों नहीं चलता? तो कहते मैं बहुत गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि अगर एक दिन दिहाड़ी नहीं कमाऊंगा ना मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भी कई बार फाके रखने पड़ते हैं, और अगर मैं चला गया और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जो मेरे मन में छवि है, जो प्रेम जागा है, अगर मैं चला गया तो मैं एक दो दिन में वापस नहीं आने वाला। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हो सकता है मैं आ ही ना पाऊँ उनके दर्शन करके, तो मेरे परिवार का क्या होगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा दर्शन करने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक कि अगर चला गया तो मेरे घर वालों को क्या होगा, बच्चों को क्या होगा, मैं बहुत गरीब हूँ। इशारा करके दिखाता है, सामने वो झोपड़ी है मेरी, वहाँ रहता हूँ मैं, टूटी फूटी झोपड़ी, टूटी फूटी नाव। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और सारी संगत से कहता है जब भी जाती है संगत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मेरी तरफ से भी नमस्कार करना। कहते हैं ना कि सब जा रहे तो दरबार से, अब जा रहे हो तो मेरी तरफ से भी माथा टेक देना। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसे ही नहीं है, सत्संग जी व्यर्थ नहीं जाता, गुरु अंतर्यामी है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई श्रद्धा से वहाँ पे नाम भी ले लेना मन में कि इसलिए माथा टेका है, हाजिरी लगती है। बाबा नंद सिंह जी के पास एक आदमी बैठा है और किसी की निंदा कर रहे हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक कि वो आपके बारे में ऐसे बोलता है। बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी को ऐसे बोलते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे पता नहीं वो, तू तो उसकी बुराई कर रहा है पर वो तो बड़ा कमाई वाला लगता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
वो कहने का वो आपकी बुराई कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहते हो बड़ी कमाई वाले, कहने कमाई वाला ना होता तो उसका बार बार नाम लिख के यहाँ पे हाजिरी कैसे लगवाता यार जी। बोलिए धन गुरु नानक, अगर उसका नाम यहाँ लिया जा रहा है हजूरी में तो कमाई वाला है यार जी। बोलिए धन गुरु नानक भाव। अगर किसी की याद हरिमंदर साहब में माथा टेकने टाइम, गुरु साहब जी को माथा टेकने टाइम आ जाए, कोई कहे मेरा माथा टेक दो, हाजिरी लगती है यार जी। बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये इसने सिखों से ये बात अपने मन की कही कि मैं गरीब हूँ, मैं नहीं जा सकता, बात आई गई हो गई। इसका प्रेम बढ़ता गया, प्रेम बढ़ता गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचनों को मान के सुनकर ये मुसलमान से अपने आप सिख हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए एक होता है कि धर्म परिवर्तन करना, किसी को जोर जबरदस्ती करना, समझाना, लालच देना, एक अपने आप किसी का मन कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब किसी से प्रेम हो जाता है ना, इस पॉइंट को थोड़ा गहराई से समझना, जिससे प्रेम हो जाता है ना इंसान उसके जैसा दिखना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सिंपल सी बात है। मुसलमानों में कई लोग दाढ़ी रखते हैं, कई लोग नहीं रखते, आपने देखा है। तो किसी ने कहा कि दाढ़ी रखना जरूरी है? पीर, एक बहुत पहुंचे हुए पीर ने जवाब दिया, कहने कि दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है। लोग दाढ़ी को प्रेम की निशानी समझ रहे हैं कि दाढ़ी रखे तो बहुत कमाई वाला होगा। नहीं, दाढ़ी प्रेम की निशानी नहीं है, दाढ़ी की वजह से प्रेम नहीं है, प्रेम हो गया इसलिए दाढ़ी रखते हैं। बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझे, हमने क्या समझ लिया है कि इसने दाढ़ी रखी है तो इसका प्रेम है? नहीं, प्रेम है तो दाढ़ी रखी है, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब रखते थे, अभी हमारा मन करता है वैसे बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे ही इसका मन किया कि मैं भी सिखों के जैसा देखूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अगर केस पसंद है मैं केस रखूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अगर अमृतवेला पसंद है मैं अमृतवेला उठूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अगर वाहेगुरु वाहेगुरु करना पसंद है, संगत कहती हो, तो मैं अमृतवेला उठ के वाहेगुरु वाहेगुरु करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका प्रेम बढ़ते जा रहे हैं, प्रेम बढ़ते जा रहे हैं, दिन बीतते जा रहे हैं, और ये मन ही मन बर्दाश्त करने लगे, पाचा मेरी समर्था नहीं कि मैं आपके पास आ सकूँ, कभी आप ही आ जाओ। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अमृतवेले उठता है, अपने झोंपड़ी के बाहर बैठकर नाम जपता है, नाव में बैठता है, पूरा दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उस्ताद सुनता है, संगत आ रही है, संगत जा रही है। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भक्ति में जीवन हो गया, प्यास बढ़ती गई, वचन मान रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिसको दे रहे हैं वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे पता नहीं, पर जो उसको सुना रहे हैं ये मान रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखो वचन कमावे संतन का सो गुरु प्रसाद दिए, तरी है जो वचन मान ले बात तो उसकी बनती है। समय आया, दीवान सजा है, संगत बैठी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं इसकी खिंच इसकी प्रेम की लगी है, पर कह रहे आज चलो दरिया में घूम के आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो सिखों ने बेनती की जो इतिहास में लिखा है, क्योंकि अपने बेड़े थे बहुत बड़े बड़े, युद्ध की तैयारी रहती थी हमेशा, बड़े बड़े अपने नावें थी जिसमें सारे सैनिक जा सके, हजारों में बड़े बड़े नावें थी। कहने के पाशा नाव तैयार करें, कहने के नहीं अपनी नावें नहीं, किसी के नाव ले लेंगे, बस दरिया में सैर करके आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिखों से कहा घोड़े पे सवार हो जाओ, सब घोड़े पे सवार हो गए, जितने भी साथ में लेने थे चल पड़े। दरिया किनारे पहुंचे, जैसे ये बात फैली ना सात संगत, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, होता ही है ना कि कोई आने वाला पता चल जाए बात फैल जाती है, तो दरिया किनारे ये बात उनके आने से पहले फैल गई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ रहे हैं आज, और किसी भी नाव में बैठ कर वो दरिया की सैर करेंगे। तो सब बड़ी बड़ी नाव वाले ने अपनी नाव धोई, सजानी शुरू कर दी, रेशमी कपड़ों से बैठने के लिए अच्छे अच्छे आसन, खुशबू, इतर, फूलों से सजाया नाव को, कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरे नाव में बैठेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरे नाव में बैठेंगे। तो जब इसे पता चला गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, तो इसका मन बैठ गया, इसलिए देखे बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर नाव, और अपनी नाव की तरफ देख के शर्मा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मेरी नाव में कैसे बैठेंगे, इतनी टूटी फूटी नाव, लोग भी मेरे नाव में चढ़ते हैं तो डर के चढ़ते हैं, पैसे कम होते हैं तो मेरे नाव में चढ़ते हैं कि कम लेगा ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरे नाव में क्यों बैठेंगे। फिर भी इसने आस ना छोड़ी, मन घबराया शर्माया, और इसने अपनी नाव को साफ किया,
जितनी समर्था थी उसे सजाया और एक आसन बनाया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बैठने के लिए कि यहाँ बैठेंगे अगर आगे तो। यार से बोलिए धन गुरु नानक, यह तो नामुमकिन पर मेरा फर्ज है, मैं तैयारी करके बैठूँ। और जब ये नाव सजा कर बैठा है तो लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, यार से बोलिए धन गुरु नानक। आसपास के लोग जो नाविक हैं, जो मलाह हैं, इसे देख कर हंस रहे, इसका मजाक उड़ा रहे, भाई तू क्यों सजा रहे, तुझे क्या लगता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तेरे नाव में आके बैठेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इसने भी सोचा बात तो सही है मेरी, ऐसी टूटी फूटी नाव, मैंने सोचा भी कैसे कि महाराज मेरे नाव में बैठेंगे, तो ये अपने नाव से उठ के झोंपड़ी में जाके बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, झोंपड़ी में जाके बैठ गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए, नदी किनारे उतरे, खड़े हो गए, सब नाव वाले भागे भागे आए, मिला कि पाचा मेरे नाव में चरण डालिए, मेरे नाव में चरण डालिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक एक नाव को देखते जा रहे, और जब भाई जैसे सैयद की नाव आई तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे ये नाव किसकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कहने लगे सैयद करके है, उसके नाव में पाचा, वो वहाँ रहता है सामने टूटे फूटे झोंपड़ी, वहाँ बैठा वहाँ रहता है, तो नाव में नहीं तो वहाँ होगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चल के उसकी झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, काट काट के अंतर की जाने, तो वो तो प्रेम के भूखे हैं नाव के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट अगर समझ में आ जाए ना किसी को, बाबा नानक सिंह जी थोड़े दिन पहले घटना आई थी याद है ना, बाबा नानक सिंह जी कहने लगे वो क्या नमक मिर्च मसाले का भूखा है गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो तो प्रेम का भूखा है, जिसने श्रद्धा प्रेम से भोजन तैयार किया तो कैसे मांग के गए गुरु नानक पाशाह ने, और जब झूठा करके टेस्ट देकर देखा तो गुरु नानक पाशाह ने कहा नहीं खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो बार बार पंक्ति आती बाबा नानक सिंह जी के माइंड में कि एक ही प्रेम सच्चा है इस संसार में, गुरु का और सिख का, बाकी सारे प्रेम झूठे हैं, सारे नाते झूठे हैं, एक ही सच्चा प्रेम है। यहाँ पर सच्चा भी ऐसा कि अगर सिख शिष्य एक बार याद करते हैं गुरु नानक को, वो करोड़ बार याद करता है। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए, चल सतगुर कोट पेंडा आगे हो लेता है। पावनी भगत पाए कौडी अगर भाग रखे, ताहे गुरु सर्व निधान दान देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई श्रद्धा भावना से एक कौड़ी का चौथा हिस्सा भी रखते गुरु के आगे, गुरु सारे संसार के सुख उसे दे देते हैं भावना से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चल के उसकी झोपड़ी के पास, कुटिया के पास कह लीजिए, आके बाहर खड़े हो गए और आवाज़ देने लगे। और पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे आवाज़ दी, उसका नाम पहले कोई सैयद करके था, पूरा नाम मुझे याद नहीं, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पहली बार उसे बुलाया, उसको क्या बुलाया, ओ भाई सैदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, भाई सैदा। तो हैरान हो गया, इतने प्रेम से मुझे आज तक किसी ने नहीं बुलाया, और ये नाम कैसा है इतना प्यारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये नाम और इतना प्यारा, और इतने प्रेम से कभी मुझे ओए करके सब बुलाते हैं, भाई कह के किसी ने नहीं बुलाया आज तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर आकर देखा, जैसे ही दर्शन किए पहचान गया, क्योंकि हृदय में बस गए थे, कलगी लगी हुई है मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दशरी दशम ग्रंथ में एक पॉइंट लिखे गए, कह लगे श्री कृष्ण जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर उनके शरीर था कि एक बार कोई उन्हें देख ले आगे बढ़ नहीं पाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिखे गए भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, और लिखा रही भाई नंदलाल जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर कि आदमी तो छोड़ो जानवर भी आगे नहीं जा पाता। प्यार से बोलिए, प्रेम है, प्रेम में अपने गुरु के जितनी उस्तत करो उतनी कम है। वाणी कहती है सतगुरु वड्डा कर सलाहिए, जितना है उतना नहीं बड़ा करके बता अपने गुरु को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिस विच वड्डिया वड्याइया
हम कहते ना ऐसा नहीं, ज्यादा तू ज्यादा जितना बढ़ा के बता सकता है बता अपने गुरु की, उससे तो बढ़ा के कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सतगुरु वड्डा कर साला ही है जिस विच वड्डियां वड्याईया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्त पा, रंग परंग अनेक न जापन कर तबा, जियो अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरा बस तेरा घर भला, तेरा कर आनंद बधाई तुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिशा जत कथा नानक दासन दा तू जागे बिन बता, वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सादा बाहर आया, दर्शन किया, चरणों में गिर पड़ा, रो पड़ा, पाछा आप मेरी झोंपड़ी के बाहर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह लगे, रोज तो बुलाता रहता है कि आओ आओ मेरे नाव में बैठो, रोज तो बुलाता, आज आया तो अपनी झोंपड़ी में जाके बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शर्माता वो पाछा, मेरी नाव बहुत छोटी है, कहने के चल। भाई सादा आगे आगे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पीछे सिख साथ में हैरान। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सारे सिख जितने सिख साथ में सबको कहा नाव में चढ़ जाओ, सब एक दूसरे को देख रहे इतनी छोटी नाव डूब जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सादा भी एक मिनट के लिए घबराया, इतिहास में लिखा है वो भाई सादा सोच में पड़ गया, इतने लोग चढ़ के नाव पलट जाएगी। फिर ख्याल आया तारने वाला साथ बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बैठ गए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो आसन बनाया था वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे, बाकी सारे सिख चिपक के खड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और भाई सादा ने बेड़ी चलानी शुरू कर दी, दरिया की सैर कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सिख हैरान है पर जानते हैं गुरु गरीब निवाज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा दाता गरीब निवाज, गरीबों को निवाजता है, अमीर निवाज नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नाव में बैठे हैं, वो नाव चला रहे हैं। सिखों ने कहा है उसे कि उस पार लगा दे, नाव को घुमा के उस पार लगा दे, थोड़ी देर वहां जाएंगे फिर वापस आएंगे। और भाई सादा क्या कर रहा है, मन में सोचा एक बार वहां छोड़ दिया, क्या पता आते वक्त फिर दूसरी नाव में बैठ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो दर्शनों से मन ही नहीं भर रहा, वो नाव को कभी लेफ्ट चला रहा है, कभी राइट चला रहा है, इधर ले जा रहा है, उधर ले जा रहा है, सीधा नहीं चला रहा कहीं किनारा ना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दर्शन कर रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, सिख उसे घूर रहे इशारा कर रहे सीधा चला, पर वो चला ही नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मन की अवस्था समझते हैं कि जिन आँखों को इतना तरस गई हो दर्शनों के लिए, इतने साल हो गए हो इंतजार में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब उस नाव में बैठे वो कैसे किनारे पे लगा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि सुबह सुबह बैठे हैं नाव में, दोपहर हो गई, शाम होने को आई, आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा सैद्या नाव को किनारे में लगा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई सैदा गुरु गोविंद सिंह जी के वचन कैसे मोड़े, नाव को किनारे पे लगाया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नाव में ही खड़े, भाई सैदा हाथ जोड़ के खड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिखों को इशारा किया, उन्होंने सोने की मोरों की थैली भाई सैदा को दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भेटा दे रहे हैं, ले ले तेरी मेहनत आने। उसने हाथ जोड़ दिए, अच्छा नहीं हाथ जोड़ दिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या करते थे, चौजी मेरे गोविंदा चौजी मेरे, हाँ ये भी पढ़ लेना, बहुत दिन हो गए नहीं पढ़ा। चौजी मेरे गोविंदा, चौजी मेरे प्यारे आ, चौजी मेरे गोविंदा, चौजी मेरे प्यारे आ, चौजी मेरे गोविंदा,
उन्होंने घटना सुनाई, कह लेकिन मेरे साथ बीती है, इंग्लैंड में गए थे कीर्तन करने, इंग्लैंड की घटना। दास ने घटना बहुत साल पहले शायद सुनाई भी है, शॉर्ट में लेके आगे बढ़ता है। किसी के मन में ये हो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अब कहाँ आते होंगे, कहने लगे एक अंग्रेज एक सिख एक सरदार जी आए मेरे पास और जोर जोर से रोने लगे। हुआ क्या? कहने लगे मैं खाली रह गया। कहने लगे सारी बात बता, क्या खाली रह गया, क्या हुआ? कहने लगे कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश रखता हूँ घर में, रोज भोग लगाता हूँ मर्यादा से, सब कुछ जैसे करना है वैसे करता हूँ, हुक्मनामा पाठ नितनेम सब करता हूँ, पर सारी दाते तो मेरा नौकर ले गया। प्यार से बोलिए दान गुरु नाने। कहने की खुल के बता, तो उसने बताया अमीर आदमी वहाँ का लंदन का, घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है, नौकर चाकर है और सारे नौकर चाकर अंग्रेज। प्यार से बोलिए दान गुरु नाने, इतना अमीर है। बाहर के देश में नौकर रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हर कोई रख ही नहीं सकता। अब इसके पास है, ये रोज़ मर्यादा से गुरुसेव जी के लिए लंगर प्रसाद बनाता है, भोग लगाता है, सब कुछ करता है। एक दिन कहता है मुझे बाहर जाना पड़ गया, तो मेरा जो सबसे करीबी नौकर था जो सेवा करता था, मैंने उससे कहा कि आज भोग तू लगा देना, तू रोज़ देखता मैं अंदर जाता हूँ भोग लगा के आता हूँ, तू लगा देना, मर्यादा है गुरुसेव जी को तू लगा देना। पर नौकर क्या सोचता था, वही बात हो गई, भोला भाव गोविंद मिलाव है। नौकर देखता था कि ये अंदर जाते हैं, ये क्या करते थे, भोग लगाते थे अरदास की जैसे हम करते हैं, और फिर अंदर ही बैठ के साइड में बैठ के खुद ही भोजन खा लेते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और बर्तन बाहर ले आते थे, थोड़ी देर बाद नौकर देखता था कि बर्तन आ रहे हैं, तो उसे लगता था गुरु नानक पाशा खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस कमरे में के सरदार जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तस्वीर लगा के रखी थी, कलगिया वाले घोड़े पर सवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब वो सरदार जी चले गए अपने काम से किधर बाहर, नौकर गया भोग लगाने और बैठ गया, भाई खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मालिक बता रहे हैं महापुरुषों को, कहने का उसने मुझे बात बताई जो सारी घटना बता रहे हैं। कहने के जब मैं आया वापस तो मैंने कहा भोग लगा दिया, तो कहाँ लगा दिया, तो उन्होंने सब खा लिया, वो आए थे उन्होंने सब खा लिया। ये कहने का क्या बोल रहे, क्या खा लिया, अगर खाया तो कह दे खुद खा लिया, भूख लगी थी खा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये क्यों कह रहे कि गुरु ने आके खा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो नौकर कहने लगे भाई मैं झूठ क्यों बोलूँ, वो गुरु जी आए थे उन्होंने खाया, जिनको आप रोज खिलाते हो वो चले गए। मालिक कहने लगा सरदार जी मैंने उसके जोर से खींच के थप्पड़ मार दिया उसके मुंह पे कि तू मेरे साथ मजाक कर रहे गुरु को लेकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने के थप्पड़ मारो, उसकी आंखों से आंसू आए, कहने के आओ मेरे साथ। फोटो कमरे में जाके कहता ये आए थे ये, तो मालिक फिर और गुस्सा आ गया, कहने के देख दूसरा थप्पड़ खाएगा। कहने का मेरी बात मानू, नीचे गया उनका बगीचा था, बगीचे में घोड़े के पाँव के निशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कह रहे घोड़े के पाँव के निशान, कहने लगा उन्होंने घोड़ा यहाँ इस पेड़ से बांधा था बगीचे में और ऊपर आके भोजन खा के इसी घोड़े में बैठ के चले गए, आप मुझे मार रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और मालिक कहता है फिर तो मेरा वो सरदार जी कहते मैं सोच में पड़ गया, आसपास दूर दूर तक कोई घोड़ा है ही नहीं, और फिर मैंने यहाँ वहाँ फ़ोन घुमाए, पता क्या कोई घोड़ा किसी का कुछ यहाँ पे आया हो, किसी वजह से आया हो, कोई पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इशारा करके तस्वीर की तरफ दिखा रहा है, गोविंद भाव भगत का भूखा एक अंग्रेज को दर्शन दे गए हैं, क्योंकि उस लोग सच में खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम खाली क्यों रह गए, हम चालाक लोग हैं, हम चुस्त लोग हैं, हम तेज लोग हैं, सुना था ना तेज पत्ते के बारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम वो तेज लोग हैं, ना इधर के ना उधर के, ना पूरा भावना बना पाते हैं, हमारा वो हाल है, सलाम दबाव जवाब दुबे करे मुंडो कुथा जाए, माथा भी टेकते हैं और सवाल भी पूछते हैं ऐसा क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते मैं खाली रह गया, महापुरुषों ने घटना खुद सुनाई, रिकॉर्डिंग पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जब नाव किनारे लगी तो भाई सैदा हाथ जोड़कर खड़ा है, सोने की मोहरों की थैली दे रहे हैं, मना कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इशारा किया सिखों को कि एक और थैली दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शायद इसे कम लग रहा है, ये ज़्यादा दे दे। वो हाथ जोड़कर सर झुका दिया, कोई एक टका ना दे जिस
इस बेड़ी का बैठने का, स्वर्ण मुद्राओं की थैली दे रहे, दूसरी मोरों की थैली दी। तब इसने रो पड़ा। भाई सदा कहते हैं पाछा मैं नहीं लूँगा। कहने की तेरा रोजी रोटी है, तेरा ये काम है, नहीं लेगा तो बच्चे क्या खाएंगे। हर जो बोलिए धन गुरु नानक। कहने का आज इतने भूखा रह लूँगा पाछा, एक दिन मेरे बच्चे भी भूखे रह लेंगे, पर आज मुझे ये नहीं चाहिए। और वैसे भी उसने एक पॉइंट कहा बड़ा प्यारा, कहने लगे हम लोग मलाह है ना आपस में, समझो मैं किसी मलाह की बेड़ी में बैठ जाऊँ वो पार लगा दे तो मुझसे पैसे नहीं लेते, और मेरी बेड़ी में कोई मलाह बैठ जाए मुझसे पैसे नहीं लेता, मैं आपसे कैसे ले लूँ। तो सिख नाराज हो गए, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मलाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही घटना घटी जो राम जी और खेवट में घटी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिखों ने घूरा कि तू कैसे कह रहे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मलाह कह रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इशारा किया, कहने के सत्याध्या खुल कर बता क्या कहना चाहते हैं। कहने के पाछा मैंने आपको अपनी बेड़ी में बिठा के इस दरिया से पार किया है, आप भवसागर से पार कर देना, आप संसार के मलाह हो। इस भवसागर से पार कर देना पाछा, अगर मुझ पर तर्स किया ही है मेरी बेड़ी में आके बैठे हो। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे सादिया तेरे प्रेम के सदके, तुझे क्या गिन कितने शरीर हैं, कितने लोग सिख बैठे हैं नाव में, तो गिने तो 20 सिख थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहे मुझे पकड़ के 21 हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू कहता तुझे भवसागर से पार कर दे, तेरी 21 कुलों को भवसागर से पार किया। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अगर देने पे आ गए, 21 कुलों को तार दिया, कहीं यहाँ तारा होगा इस संसार सागर से भी और उस भवसागर से भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग सुखी है और लोग सुहेले। राजन के राजा राजा राजा
संगत जी राइट नाउ समर्थक भाई रिटर्न घर पे आ चुके हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन के लिए बाय बाय, टेक केयर, रब रखा, बाय।